हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरीज थी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो स्कूल्स हैं जैसे CHS के रूप में जाना जाता है, अब इसमें बॉयज़ स्कूल्स भी हैं और गर्ल्स स्कूल भी हैं, इनके एडमिशन कब ओपन होंगे? तो लीजिए, इनका एडमिशन ओपन हो चुका है फॉर 2024-25 सेशन के लिए। एंड यहाँ पे हम लोग बात करें तो अभी इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ नर्सरी LKG क्लास फर्स्ट एंड क्लास सिक्स्थ का एंट्रेंस। इसके अलावा क्लास नाइन्थ और क्लास इलेवेंथ में भी एंट्रेंस होता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसके थ्रू उसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। और ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारे तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं नोटिफिकेशन पे और जानते हैं क्या है गाइडलाइंस। तो देखिए, यहाँ पे एक तो है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, ठीक है, पहला क्या है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल वाराणसी में है, यहाँ पे बाल वाटिका 2 या LKG के लिए एडमिशन है। सेकंड है सेंट्रल हिंदू स्कूल RGSC है जो मिर्जापुर में है, यहाँ बाल वाटिका 3 नर्सरी के लिए एडमिशन है। देन आता है श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय जो कि वाराणसी में है, क्लास 1 में एडमिशन देगा। और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल दोनों अलग अलग हैं, इनमें क्लास 6 में एडमिशन होगा। मतलब अल्टीमेटली इस वीडियो में हम LKG, नर्सरी, क्लास 1 और क्लास 6 के एडमिशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है तो कब से अवेलेबल हो जाएगा? तो आज ही के दिन February 20, 2024 के दिन ये फॉर्म्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, आप इन्हें भरना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या होगी? तो March 20, 2024 तक आप इन्हें सबमिट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर आप जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स आपने कर दी हो, तो उन्हें रेक्टिफाई कब कर पाएंगे, उनमें करेक्शन कब कर पाएंगे? तो करेक्शन आप 21 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच कर पाएंगे। अब चूंकि नर्सरी LKG क्लास 1 और क्लास 6 का एंट्रेंस के लिए कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता है, मतलब ई लॉटरी सिस्टम के थ्रू यहां पे आपका एडमिशन होता है, तो ई लॉटरी का रिजल्ट कब आएगा? 7 अप्रैल 2024 के दिन इनका ई लॉटरी का रिजल्ट आ जाएगा। तो बस आपको फॉर्म अप्लाई करना है, लॉटरी में अगर आपका नंबर आता है तो आपको यहां पे एडमिशन मिल जाएगा। क्राइटेरिया क्या क्या है? तो देखिए, जो एडमिशन के लिए BHU के जो एम्प्लॉई हैं, जो दिव्यांग पर्सन हैं, उन्हें 19 अप्रैल को सुबह 9 से 11 के बीच में एडमिशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करके एडमिशन ले लेना है। सेकंड थिंग, जो जनरल SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के लोग हैं, फर्स्ट लिस्ट जो कि मेन लिस्ट होती है लॉटरी की, उसमें अगर आपका नाम आता है तो 20 अप्रैल 2024 के दिन आपको वहां पर जाके एडमिशन लेना है। एंड इसके बाद ये लोग एक वेटिंग लिस्ट इशू करते हैं, वेटिंग लिस्ट में आपको 22 अप्रैल के दिन वहां पे जाके एडमिशन लेना है। ये तो था किसके लिए? नर्सरी LKG और 1 के लिए। अब बात करते हैं क्लास 6 के लिए। तो क्लास 6 का जो मेन रिजल्ट जो कि 7 अप्रैल को आ रहा है, तो एडमिशन आपको 23 अप्रैल के दिन जाके वहां पे अवेलेबल करवा लेना है। एंड सेकंड लिस्ट जो होगी उसके अकॉर्डिंग 25 अप्रैल को, जो कि वेकेंट सीट के लिए होती है, वहां पे आप जाकर अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, BHU के बारे में आपको कंप्लीट हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं 1883 से एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स वगैरह है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि भाई जब आप बाल वाटिका 2 के लिए अप्लाई करेंगे या फिर बाल वाटिका 3 के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो एज क्या रहने वाला है? तो यहाँ पे 4 to 5 ईयर्स होना चाहिए। इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020 के बीच में अगर है तो आप एलिजिबल हैं।
सेम एज बाल वाटिका 3 के लिए 5 to 6 years है, मतलब 31 मार्च 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में हो जाएगा। अगर आप क्लास 1 में एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे 6 to 8 years है, मतलब 31 मार्च 2016 से लेकर 31 मार्च 2018 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं। एंड सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल या फिर सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के लिए अगर आप ले रहे हैं क्लास 6 में एडमिशन, तो 10 से 12 years की आपकी एज होनी चाहिए 31 मार्च के दिन। इसका मतलब है आपका बर्थ 31 मार्च 2012 से लेकर और 31 मार्च 2014 के बीच में होना चाहिए, और आप क्लास 5 को क्वालिफाई करेंगे इसी साल। ठीक है, तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप क्लास 5 को क्वालिफाई कर चुके होंगे, तो ही आपको ये क्लास 6 में यहाँ पे एडमिशन देंगे। अब बात करते हैं कितनी सीट्स हैं और उन पे रिजर्वेशन क्या है। तो देखिए, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में बाल वाटिका 2 में टोटल 120 सीट्स हैं। इनमें से अगर मान लेता हूं कि बीएचयू के एम्प्लॉयज के बच्चे वहां पे अप्लाई कर रहे हैं तो 100% रिजर्वेशन हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, पूरे 120 अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनको दे दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं होता कि इतने सारे लोग एक साथ अप्लाई कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो रिमेनिंग सीट्स जो है उन पे लाइक दिव्यांग को 3%, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% का यहां पे रिजर्वेशन जो है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। सेम एज अगर हम लोग बात करते हैं बाल वाटिका 3 के लिए तो टोटल 40 सीट्स हैं। बीएचयू के एम्प्लॉई को 50% रिजर्वेशन मिलेगा यहां पे। इसके बाद जो भी रिमेनिंग सीट्स हो जाती हैं उन पे ये सारा क्राइटेरिया 3%, 15, 7.5, 27 और 10% का सेम एज बने रहेगा। यही क्लास 1 के लिए है क्योंकि वहां पे भी 40 सीट्स है, और यहीं पे जो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है वहां पे 60 और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में 90 सीट्स है। लेकिन अगर लगता है तो इस सीट को एक्सटेंड किया जा सकता है या रिड्यूस भी किया जा सकता है, तो इन फ्यूचर हो सकता है नंबर ऑफ सीट बढ़ भी जाए, ठीक है, और नंबर ऑफ सीट घट भी जाए। तो मिनिमम नंबर जो है वो यहां पे अभी आपके लिए अवेलेबल है 60 और 90, बाद में लगा तो ये बढ़ा भी सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस, चूंकि हमने बात की लॉटरी सिस्टम है, बीएचयू एम्प्लॉयज को प्रेफरेंस है तो इनको पहले दिया जाएगा, एंड रेस्ट फिर जो कैटेगरी वाइज डिस्कशन किया हमने उस अकॉर्डिंग यहां पे आपको एंट्रेंस दे दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मेथड होगा जिसके थ्रू लॉटरी निकलने वाली है। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशंस, आपको क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा। तो लाइक बाल वाटिका 2 एंड बाल वाटिका 3 एंड क्लास 1 में अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आपको सारे नेम वगैरह करेक्ट होना चाहिए। एडमिशन इन क्लास 6 के लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और वो डेट ऑफ बर्थ ना आपके मार्कशीट और टीसी में भी मेंशन्ड होना चाहिए क्लास 5 के, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बाकी जो बीएचयू के एम्प्लॉई हैं उनका डिटेल्स होगा, जो दिव्यांग है उनका सर्टिफिकेट होगा, अगर आप एससी एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं एंड अदर जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, तो उन सभी का आपको सर्टिफिकेट यहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये जो सर्टिफिकेट है ये 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब आज जब आप अप्लाई कर रहे हैं ना तो इससे 6 महीने से ज्यादा पुराना ये नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। अगर आपके पास ज्यादा पुराना है तो नया आप जनरेट करवा लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, तो ये इनकी वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको इस पे भी एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा, कल या परसों में आपके लिए वो भी अवेलेबल हो जाएगा। अब फीस कितनी फिलअप करनी है आपको, तो देखिए एप्लीकेशन फीस एससी एसटी से 500 है, जनरल वगैरह से 750 रुपीज का आपसे एक चार्ज यहाँ पे वसूला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमने प्रोसेस देखा किससे रिलेटेड, बीएचयू के जो सब ब्रांचेस हैं उनमें एलकेजी नर्सरी क्लास 1 और क्लास 6 के एडमिशन से रिलेटेड। अब यहाँ पे आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, आपके लिए रेगुलर बेसिस पे हम ये वीडियोस अवेलेबल करवाते हैं, एंड आप भी अगर ऐसे ही अपकमिंग सेशंस को देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आपको टाइमली इसका नोटिफिकेशन मिल सके, आपको सही समय पे इंफॉर्मेशन मिल जाए तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, आप अगर इस वीडियो को 2-3 महीने बाद देखोगे तो आप बोलोगे अरे सर डेट निकल चुकी है,
इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। एंड अदर वेरियस प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC, RMS सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।